नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें घटना के शून्य होने की प्रायिकता बताओ। प्रायिकता होती है, प्रायिकता तो कहां तक होती है, जीरो से कम जीरो, अधिक से अधिक एक, और जीरो और एक के बीच में भी आती है, हाईएस्ट एक, मतलब कितना आती है आपको जीरो। तो जब जीरो होती है तो इसका मतलब कैसी घटना है, असंभव घटना, निश्चित नहीं, असंभव, कभी संभव नहीं हो सकती, उसे बोलते हैं अनिश्चित घटना भी कह सकते हैं या असंभव घटना भी कह सकते हैं। और एक, एक कब होता है, संभव कह सकते हो, निश्चित घटना कह सकते हो, एक होता है, संभव कह दो या फिर निश्चित कह दो, ये काम मेरा संभव होगा या फिर क्या होगा, निश्चित होगा, पक्का। जैसे घटना जीरो कब होती है, एक कब होती है, जैसे मान लो कि मेरे पास जेब में 100 रुपए के नोट है, सब केवल कितने नोट है 100 रुपए के ही है, या मेरे पास थैली में है 100 रुपए के नोट, ओनली 100 रुपए के नोट ही है, तो आपको बिना देखे थैली में हाथ डालना है और एक नोट निकालना है, और वो नोट 10 रुपए का होना चाहिए, अगर 10 रुपए का आ गया तो तुम्हारा जीत, तो सब नोट तुम्हारे, अब निकालो कितना ही कर लो, अंदर है ही नहीं तो कहाँ से निकालोगे, तुम्हारे जीतने की जो गारंटी है वो असंभव है, आप जीत नहीं पाओ। वही बोले 100 का नोट हुआ तो तुम्हारी जीत है, तो 100 ना की जीत है, तो संभव हो जाती। अब है प्रायिकता, इनमें से कौन सी नहीं हो सकती, तो प्रायिकता देखो ये होती है हमेशा, देखो किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो कैसी होती है, ये होती है, मतलब जीरो या जीरो से बड़ी परंतु एक से छोटी। जैसे मान लो कि ये आपका है नंबर, ये क्या बोलते हैं संख्या रेखा है, यहाँ आती है जीरो, इधर आता है माइनस में एक, इधर आता है प्लस में एक, प्लस में दो, प्रायिकता जो है कम से कम ये और हाईएस्ट ये, यहाँ तक ही रहती है प्रायिकता, ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, बीच में रहेगी। जैसे मान लो 0.1, 0.7, 0.280 कुछ भी हो सकता है, 0 होगा, 0.9, 0.7, 0.8 कुछ भी होगा, तो क्या होगा, 0 होगा, ना प्लस में 1.1 भी आ गया तो गलत। हमेशा जब भी प्रायिकता का सूत्र क्या है, ज्ञात करने का, अनुकूल परिणाम बटा जो कुल परिणाम है ना, वो मतलब वो हमेशा बराबर या ज्यादा रहेगा, नीचे वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर कभी बड़ा नहीं होगा, तो प्रायिकता जो है इसके बीच में होती है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि प्रायिकता इनमें से कौन सी नहीं है, देखो जैसे ये नंबर दे रखा है 2/3, हमेशा ये नंबर बड़ा रहता है और वो नंबर क्या रहता है, छोटा रहता है, इसका मतलब ये है। लेकिन ये अब बताओ ये किस में, आपके माइनस में, तो ये कभी प्रायिकता ये हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब आप बोलो ये तो एक से ज्यादा है, 95 लिखा हुआ, लेकिन 95 परसेंटेज है, परसेंटेज को जब भी आप सिंपल लिखते हैं नॉर्मली क्या करना, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, 100 का भाग लग जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटाते हमें तो वो नंबर बोला मैंने, जीरो से एक, परसेंटेज नहीं बोला, जीरो को बोलते हैं 0% और एक को बोलते हैं 100%, एक को क्या बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ मैं 100 लिख दूँ और यहाँ पर मैं 100 लिख दूँ तो ये क्या है, 100% है, आप उसको भिन्न में चेंज करेंगे ना, तो अगर किसी भी नंबर को जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 100%, इसको आपको सामान्य नंबर में बदलना है, जैसे यहाँ देखो 95% था, सामान्य नंबर मतलब क्या करना पड़ेगा, 100 का क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर भी मैं 100 का अगर भाग देता हूँ तो ये परसेंट हट जाएगा, तो बताओ उत्तर क्या आएगा आपका, एक। तो आपको हमेशा चीज ध्यान रखनी है कि परसेंटेज जो है ना जीरो से 100% तक, उसको नंबर में बोलेंगे तो जीरो से एक, जैसे लिखा हो गया 20%, 20% का मतलब होता है 0.2, 20% का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ देखो 95% का मतलब क्या होता है, जीरो हट गया और यहाँ क्या लग गया, तो 95% मतलब हो गया 0.95, 50% मतलब हो गया 0.50, परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, पहले था 50%, वो हो गया 0.5 या 0.50 या 0.500, बात एक ही है, पॉइंट के बाद में 5। अब ये वाला, इसको हम देखो क्लास 9 में हमने पढ़ा था, इसको ऐसे नंबरों को भिन्न में बदलोगे तो इसका उत्तर जो है ना वो ऐसा आता है 2/7/9 भिन्न में बदलोगे तो, क्लास 9 में करते थे ना 10 से गुणा करने पर, पहले माना कि x का मान ये है, हर का परिम क्या बोलते हैं इसको, बिन को P/Q के रूप में लिखना, क्लास 9 में था,
ये अब परिमेय नहीं है तो परिमेय संख्या है, बस इसको हमें क्या करना है, भिन्न में लिखना है। किसमें लिखना है आपको? तो भिन्न में लिखोगे तो ये संख्या क्या है, ये बड़ी, और ये क्या है, छोटी। आप ट्राई कर लेना, साथ में 9 का भाग देकर ट्राई कर लेना, उत्तर यही आएगा। इसका मतलब जो भिन्न में है ये संख्या बड़ी है और वो संख्या छोटी होनी चाहिए। बराबर हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं हो सकती, ऊपर वाली संख्या कोई बड़ी नहीं हो सकती। तो माइनस से सिंपल लेना, माइनस है या एक पॉइंट पे आ जाए तो वो क्या होगा आपके, वह संख्या प्रायिकता नहीं होगी। तो ये तीन संख्या परिमेय है और ये एक संख्या परिमेय नहीं है। अब ये वाला मैंने बता दिया, प्रायिकता कहाँ तक होती है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी। ऐसे देखो, 0 के बराबर 0 से बड़ी क्या है, प्रायिकता, और एक के बराबर या एक से, प्रायिकता 0 भी हो सकती है, प्रायिकता एक भी हो सकती है, वो बराबर के कारण। अब ये प्रायिकता 0 से बड़ी होती है, प्रायिकता एक से कम होती है, तो 0 से लगाकर एक के बीच में होती है, तो ये उत्तर हो जाएगा आप। अगर आ जाए सवाल, अब सदम में आ जाए तो ये लिखना है, प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये होता है। अगला है इसके अंदर, अगर पीई दे रखा है इतना तो बताओ पीई नहीं कितना है। देखो, पीई प्लस पीई नहीं, इन दोनों की जोड़ कितनी होती है, हमेशा एक होती है। सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक। सभी प्रायिकता है। एक सवाल के अंदर जैसे मान लो पास आएगा, एक आने की, दो आने की, तीन आने की, चार आने की, जितने भी नंबर सब आ जाए एक बार, उन सबको जोड़ लो कितना होता है, उसकी जोड़ कितनी होती है, एक। जैसे मान लो किसने बोल दिया इवन आने की कितनी होती है, 3/6। ऑड आने मतलब क्या बोलते हैं, सम संख्या की कितनी होती है, 3/6। सम कितनी होती है, 3/6। दोनों जोड़ लो कितना हो जाएगा, एक, क्योंकि सम में 3 नंबर आ गए, विषम में बाकी के 3 नंबर आ गए, तो 3 और 3 सब नंबर आ गए, नहीं तो 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 तो आ गए उसमें सम में, और 1, 3, 5 आ गए आपके। सभी अंकों का जब आप यूज कर लेते हो तो आ जाता है 6/6, 5/5, 100/100, ऐसा आ जाता है, और उनका जो योग है वो कितना होगा आपके, एक होता है। तो सभी प्रायिकता है, चाहे होने चाहे नहीं होने, उनका योग कितना होता है, एक होता है। अब होने का कितना लिखा हो तो बताना है कि नहीं होने का कितना होगा, नहीं होने का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये प्लस का है उधर, फिर तो किस्म हो जाए, तो पी नहीं होने का, अब यहां तो ये सीधा डायरेक्ट लिखा है, वहां कैसा आता है, किसी बच्चे की जन्मदिन इस तारीख को होने की है तो बताओ नहीं होने का क्या होगा, या होने नहीं होने का पहले दे रखा है और होने का पूछे तो आप कैसे ज्ञात करना। देखो ये प्लस का है उधर भेज दो, किस्म हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 नंबर मान लेंगे, नहीं है तो 0 मान, कितना होगा 100, ऐसे यहाँ 2 नहीं है तो 2 0 मान लेंगे, ये कितना हो गया 100, और ये कितना है 13, 100 में से 13 गए, कितना बचा 87, 200 पॉइंट लगा दो, इसको पॉइंट जाने ही नहीं है, सिंपल है, 100 में से 13 गया, 10 गया तो 90, 3 गया तो 87, 87। अब ये मैंने बता दिया, अब ये देखो, एक लड़की की ये गणना करती है लॉटरी टिकट के लिए, कि लॉटरी टिकट में प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता है 0.08, ये प्रायिकता है, चांस है जीतने का, 0.08 का मतलब हो गया 8%। जैसे मान लो कि 100 टिकट है, 0.08 का मतलब होता है 8%, आपको 55 मतलब क्या हो गया, अभी मैं परसेंटेज देर का है, अगर इसको हम दो पॉइंट को परसेंटेज बदलो, परसेंटेज पॉइंट बदलेंगे तो ये 8 लिखा हुआ है मान, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर दिन अगर हम हटा देते हैं तो परसेंटेज बन जाता, तो ये 8% है, मतलब ये हो गया कि अगर आप 100 टिकट लेते हो तो 8 में इनाम निकलता है, 100 खरीदते हो कितना निकलता है इनाम, 8 में। तो ये बोला इसने कितने टिकट लिए, 6,000, तो बताओ इनाम मतलब क्या बोला इसने, 6,000 टिकट बेचे तो उसने कितने टिकट खरीदे, किसने, लॉटरी वाला मतलब उस लड़के ने जो बेच रही है ना उससे कितने खरीदे, इसमें से इतना इनाम आ जाए, तो सिंपल है, प्रायिकता बताओ सूत्र क्या ज्ञात करने का,
प्रायिकता का सूत्र भी आना चाहिए आपके, अनुकूल परिणाम बटा वो अगली वाली तो बेच रही है कितना 6000, अब ये कितने खरीदे कि उसमें उसका इनाम आ जाए कुल परिणाम। देखो ध्यान देना भाई, पी ए मतलब होता प्रायिकता, बताओ प्रायिकता कितनी 0.08 बराबर का बराबर, कुल परिणाम मतलब कुल टिकट, मतलब कुल टिकट कितना है 6000। अब बताओ उसने कितने टिकट खरीदे कि इसमें उसका इनाम मिल जाए, तो यहाँ पर ये वाला अनुकूल परिणाम क्या करना है इसको ज्ञात करना है, यहाँ टिकट कितने खरीदे टिकटों क्या करनी है संख्या ज्ञात करनी, जो खरीदे वो उसमें उसका इनाम खुल जाए। इससे गुणा करते हैं, देखो क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो बताओ कितना मिलेगा, इससे गुणा करेंगे कितना हो जाए 8 × 48 कितना होता है 480। फिर से गुणा कर देना, इसको 0.08 को गुणा करना है किससे, ऐसा देखो सिंपल है बताऊं आपको, 4 से मैंने ज्ञात किया ये नहीं आता है, उल्टा ये आता है, क्या आता है एक के पास 6000 टिकट है लॉटरी के और उसके जीतने के चांस है 480 टिकट में, मान लो कि उसके क्या है इनाम है, तो बताना है कि प्रायिकता क्या हो, तो सिंपल है 480 में 6000 भागते तो उत्तर क्या आ जाएगा 0.08 जाते तो उत्तर प्रायिकता क्या आता है। अब इनमें से कोई वैल्यू गाई वो कम ही आता है, फिर भी ऐसे एक ले लिया मैंने, लिखो यादृच्छिक रूप से मतलब बिना देखे, आप एक लीप वर्ष में 52 सोमवार होने की प्रायिकता बताए, 52 सोमवार होने की प्रायिकता। अब देखो यहाँ पर फाल आता है दो तरह के, चार तरह का फाल आता है, चार तरह का, दो तो आते हैं लीप ईयर के और दो आते हैं अलीप ईयर के। देखो दो तो आते हैं सवाल लीप ईयर के, लीप वर्ष के दो, और दो आते हैं अलीप वर्ष, दोनों बता दो जो अच्छा लगे वो लिख देना। अब यहाँ पर वार का कोई मतलब नहीं है, वार यहाँ पर सोमवार हो मंगलवार कोई मतलब नहीं, हमें बस ये जानना है कि लीप वर्ष है या फिर अलीप वर्ष है। अब लीप और अलीप में क्या होता है कि लीप में होते हैं 365 दिन, इसमें कितने दिन होते हैं, इसमें होते हैं आपके लीप वर्ष है तो आएगा 367 दिन, जिसका मतलब होता है 52 सप्ताह और कितने दिन 2 दिन ज्यादा, इधर ध्यान लगा ले, 1 सप्ताह जैसे कितने सप्ताह आ रहा है 52 सप्ताह आएंगे, 52 सप्ताह में होता है 364 दिन, कितने होते हैं 364 दिन होते हैं, फिर 2 दिन एक्स्ट्रा ज्यादा हो गए 2 दिन, तो वो 2 दिन जोड़ते ही 360 दिन पूरे हो जाते हैं। फिर अलीप वर्ष, अब अलीप वर्ष में क्या होता है, अलीप वर्ष में आता है 365 दिन, कितना आता है 365 दिन, इसमें क्या होता है आपके 52 सप्ताह आएंगे, कितने सप्ताह आएंगे भाई 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा आता है 364 + 1 और 364 + 2 ये हो गया 364। अब आपसे पूछेगा 52 सोमवार 52 मंगलवार 53 रविवार ऐसे पूछेगा, तो क्या करना है देखो ध्यान देना, अब सोमवार मंगलवार को बोल जाओ, सोमवार कुछ भी हो सकता है क्योंकि टोटल कितने वार है 7 वार है, मंगलवार बुधवार गुरुवार वार कुछ भी हो सकता है, हमें ये रटना है कि लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा और अलीप में 1 दिन एक्स्ट्रा, आपको सब भूल जाओ, ये भी भूल जाओ ये भी भूल जाओ, क्या ध्यान रखना, मेन जो ध्यान है वो आपको इस पर रखना है, ये 2 दिन है और ये आपका जब भी आए आपके लीप वर्ष तो आपको 2 दिन पर ध्यान देना है, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं उसमें, और फिर आता है आपके 365 दिन वाला जो होता है अलीप वर्ष, उसमें ध्यान देना। अब यहाँ पूछेगा आपसे सवाल क्या पूछेगा, देखो ध्यान क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, ये पूछ ले बताओ 52 सोमवार होने की प्रायिकता बताओ, क्या पूछेगा 52 सोमवार कह दो 52 मंगलवार कह दो, वार पर ध्यान मत देना, या तो आएगा 52 सोमवार या आएगा आपके 53 सोमवार, देखो तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं,
सात दिन होते हैं तो टोटल दिन कितने लिखना है आपको, हमेशा भाग में कितना लिखना है, सात लिखना। अब ये बोले 52 बार सोमवार, देखो 53 बार बोलेगा ना, क्योंकि देखो 52 सप्तल हो गए, 53 होने के 2 एक्स्ट्रा दिन है, तो वहां पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है। अब मैंने बताया ना होना और नहीं होना कितना जो होता है, एक होता है, 7 में से 2 यहाँ आएंगे तो 7 में से 5 का आएंगे यहाँ पर। 52 सोमवार बोलेगा तो हमें लिखना है 5/7, और 53 सोमवार बोल रहा हमें क्या लिखना है, 2/7, 2 दिन एक्स्ट्रा। अब 2 दिन एक्स्ट्रा कैसा आया, देखो 2 दिन कैसे आता है, सोमवार 2 बार कैसे आ गया, जैसे 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। अब हमें क्या पता कि वो तो साल 21 बार शुरू हुआ, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए ना, तो मान लो कि एक दिन रविवार होगा तो बताओ एक दिन क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि साल पूरा खत्म हो गया, 52 बार सब आ गए, सब 52 बार आ गए, अब 2 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं, उसमें क्या आ सकता है, रविवार और सोमवार, एक चांस बन रहा है, एक चांस तो बन गया। अगर भाई साहब ऐसा नहीं हो और ऐसा हो जाए कि सोमवार और मंगलवार भी हो सकता है, या तो ऐसे 2 दिन बचेंगे पीछे वाले, तो लास्ट 2 दिन है ना, मतलब हर एक की बारी 52 बार तो आ ही गई, अब 53 बार आना है, 52 बार तो भाई सबकी आ गई, अब कितनी बार आना है, 53 बार आना है। अब 53 बार आने के लिए क्या होगा, या तो ये है या ये, या तो दिन ये होंगे या दिन ये होंगे, हमें पता नहीं कौन सा हो सकता है। ऐसा आप बोलोगे सर इसमें अगर मंगलवार बुधवार आ जाए तो सोमवार ही क्यों ले रहे हो बार बार, क्योंकि सोमवार के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पर कोई साल लिखा हुआ नहीं, ऐसा लिखा 2003 में ही बताना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक लीप वर्ष में। अब वर्ष तो बहुत सारे हैं, आपको जितने भी लीप वर्ष है सब में देखो, या तो लास्ट के 2 दिन ये होंगे नहीं, या लास्ट के 2 दिन दिसंबर के लास्ट, या तो ये हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, चांस तो बहुत सारे बनते हैं, या तो आएगा रविवार सोमवार, या आएगा सोमवार मंगलवार, या आएगा मंगलवार और बुधवार, या फिर बुधवार और गुरुवार, या फिर गुरुवार और या फिर शनिवार, और कुल कितने चांस बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चांस है। अब 7 में से सोमवार आने के चांस कितने, 2 चांस, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2/7। अब ये बोला 52 बार का मतलब क्या हो, 52 बार का मतलब हो गया 53 बार नहीं आएंगे, 52 बार सबका आ रहा है, 52 बार सबकी बारी आ रही है ना, तो इनका मतलब ही नहीं, ये दिन कौन से हैं, 2 दिन जो एक्स्ट्रा है उसमें बारी आनी है या उसमें बारी, जैसे मान लो कि आ जाएगा ये दोनों आ गया मान, अब जैसे आप इसकी बात कर रहे हो रविवार की बात कर, रविवार यहाँ भी है, रविवार यहाँ भी, तो रविवार की बात करेंगे तो रविवार 53 बार बोलने की बात कर रहा है, तो रविवार की बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब है बाकी के दिनों की बात कर रहा है, तो देखो अब ये बोले रविवार कितनी बार आएगा, हम बोलेंगे 1 और 1 कितना हो गया, 2/7। अब ये बोलेगा 52 बार, 52 बार का मतलब हो गया कि 53 बार नहीं आएगा, इसमें लिखा 53 सोमवार, इसका मतलब क्या हुआ, 53 बार सोमवार नहीं, इसमें होना और इसमें नहीं होना, 52 बार नहीं होना तो क्या हो जाएगा, नहीं होने कितने दिन, मतलब नहीं होने के 1, 2, 3, 4, 5 इन में कहीं रविवार ही नहीं, तो होने कितने चांस है, 2, नहीं होने कितने चांस है, 5, इसलिए लिखते। जब भी लीव वर्ष आएगा तो आपको ध्यान रखना है 52 पूछो तो लगाना है 5/7, और 53 पूछो तो क्या लगाना, 2/7 आपको लिखना सीधा उत्तर ये है, बुक में तो नहीं है, पुरानी बुक में है लेकिन आपके बोर्ड में आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। अब है अलीप वर्ष का, अब अलीप वर्ष में क्या होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब सबकी बारी 52 बार आ चुकी है, अब 1 दिन बच गया, लास्ट दिन बचा मतलब 31 दिसंबर, लास्ट दिन बच गया, अब 31 दिसंबर को क्या होगा, या तो होगा रविवार, या होगा सोमवार, या होगा मंगलवार, या होगा बुधवार, या होगा गुरुवार, या होगा शुक्रवार, या होगा शनिवार, इनमें से कोई भी एक लास्ट दिन बचा वो हो सकता है। तो अगर ये बोल दे यही चीज सेम कि 52 सोमवार होने की प्रायिकता बताओ, 52 होने के चांस कितने हैं, और एक होता है आपके 53 होने के, 52 होने का मतलब है 52 बार ही आया, लास्ट दिन वो आया ही नहीं, जैसे मान लो सोमवार है, सोमवार कितनी बार आया, 1 बार, तो ये बोल रहा है आने लास्ट दिन बचा ना, 1 दिन 53 सोमवार मतलब होता है 1 दिन ज्यादा आने, तो ये बोल रहा है कि 53 बार सोमवार कितनी बार है, 52 बार सबकी बारी आ चुकी है, 52 बार तो 52 सप्ताह होते हैं ना, सप्ताह कितने होते हैं, तो सबकी बारी 52 बार तो
आ चुकी है। अब ये बोला 53 बार कौन आएगा, 53 बार मतलब एक बार मतलब कितनी, मतलब टोटल दिन कितने, 7, 7 में से एक दिन क्या है सोमवार का, आने के चांस कितने। अब ये बोल रहा है कि 52 सोमवार होने की, 52 का मतलब हो गया कि 53 बार नहीं आएगा, मतलब आएगा कितनी बार, एक बार, और नहीं आने कितने चांस है, 6/7। और ये जानना है अ लीप वर्ष में आपको यहाँ एक लिखा हुआ है, तो 53 बोले तो 1/7, 53 नहीं बोले तो 6/7। अब वो लीप वर्ष में यही है, जो 53 बोलेगा ना, 53 सोमवार का जाएगा, सोमवार याद नहीं करना है कि 53 है और लीप वर्ष है तो क्या लगाना है, 2/7, बाकी हम क्या लगाएंगे, 5/7। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, रटो तो रट भी सको, हम तो हम भी सको। लो इधर ध्यान दो, अगला सवाल देखो, एक पासा है फेंका जाता है, अब पासा फेंकेंगे तो क्या मिलेगा, या तो मिलेगा हमें 1, या मिलेगा हमें 2, या मिलेगा 3, या मिलेगा 4, या मिलेगा 5, या मिलेगा, तो मुझे क्या क्या मिल सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बताओ कुल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणाम कितना हो गया, मतलब इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, मतलब 6 अलग अलग स्थितियां आ गई, ऊपर जो लिखा हुआ ना वही रहता है। अब हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता, ज्ञात करनी है, तो पहले जब भी आप प्रायिकता ज्ञात करो ना तो सूत्र लगा दो एक बार, तो सूत्र क्या आ जाएगा आपके, अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल बटा कुल आ जाएगा। अब क्या पूछा गया आपसे वो भी आना चाहिए, सबसे पहले देखो यहां पर तो मैंने एक लिया है, बाकी और बहुत सारे आ सकते, सबसे पहले बताओ क्या पूछा है, विषम संख्या आने का क्या पूछा इसने, हमें यहां पर लिखना है विषम संख्या आने की प्रायिकता, यहाँ पर लिखना विषम में कौन कौन सी है, कौन कौन सी बताओ, 1, 3, 5, तो हमें यहाँ लिखना है 1, 3, 5, बताओ कितना हो गया, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, बताओ अनुकूल परिणाम कितना है 3, और कुल परिणाम कितना है, घटक काट दो कितना हो जाएगा, 1/2, दोनों 3 का भाग जा रहा है ना, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, अगर आपसे पूछ लेता यहाँ तक विषम पूछा है, विषम बता दिया हमने, वो फिक्स थोड़ी यही आएगा, विषम से क्या आ सकता है, सम भी तो आ सकता है, अगर सम संख्या आने का पूछे तो बताओ क्या लिखोगे, 2, 4, 6, मतलब कितना हो जाएगा 3/6, उत्तर क्या आएगा, ऐसा नहीं आपने रख लिया 3/6 मुझे जाके लिखना है, वही नंबर उसके भी मिलेंगे, नंबर इसके भी मिलेंगे, क्या आप विषम के हो क्या मान रहे, ऐसे विषम बोले ना आप, ये लिख के आ जाओ 2, 4, 6, सम विषम आपको आना चाहिए। और क्या आता है भाई आपके, और आता है भाज्य संख्या, क्या आती है भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन से बताओ, 4 और 6, भाज्य मतलब होता है जिसमें उसके अलावा और किस संख्या का भी भाग जाता हो, जैसे 4 में देखो, 4 में 4 और 1 के अलावा और किसका भाग जाता है, 2 का, या ऐसा कह सकते हो कि 4 किसी और पहाड़े में भी आते हैं ना, 4 2 के पहाड़े में आते हैं, 4 खुद के पहाड़े में भी आता है और 4 2 के पहाड़े में भी आता है, 6 का भी यही हाल है, 6 में 2 का भाग भी जाता है, 6 में 3 का भाग भी जाता है। अब यहाँ देखो 1 के लिए का भाग जाता है, 2, 3 और 5 में कुछ खुद का ही भाग जाता है, 2 में केवल 2 का ही भाग जाता है, 3 में केवल 3 का ही जाता है, 5 में केवल 5 का ही जाता है, वो संख्या है भाज्य नहीं, वो क्या है अभाज्य। अगर आपसे पूछ ले बताओ अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताओ, क्या पूछ ले आपसे, अभाज्य कौन कौन सी है, 2, 3 और 5, बताओ ये कितना भाज्य का सूत्र क्या हो गया, 2/6, अरे कुल में हमेशा कितना आएगा 6, ऊपर क्या आएगा आपके भाज्य, भाज्य कितनी है 2, सूत्र क्या हो गया 1/3, और यहाँ पर क्या आएगा 3/6, सूत्र क्या आएगा, अब इसमें तो एक तो मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि एक ना भाज्य है ना ही, जो ऐसा है जिसमें दो संख्याओं का भाग जाता है उसको बोलते हैं अभाज्य, दो का मतलब खुद का और एक का, जैसे देखो यहाँ पर 2 में 2 का भाग भी जाता है और 2 में 1 का भाग जाता है, इसलिए क्या हो गई है अभाज्य हो गई, लेकिन 1 में खुद का ही खुद ही वही 1 है, 1 का ही भाग जा रहा है, मतलब इसमें केवल और केवल किसका भाग जा रहा है, 1 ही नंबर इसमें इसका भाग जा रहा है, लेकिन 2 में
दो का भी भाग जाता है और जिन संख्याओं में दो संख्याओं भाग जाता है, मतलब एक तो खुद और एक एक का भाग जाता है, तो एक क्या है, एक में केवल एक ही संख्या का भाग जाता है, तो ये तो ना भाज्य मात्र ही नहीं। अगर ऐसा लिख दे कि जो संख्या भाज्य नहीं है वो कौन सा बताओ, जो संख्या भाज्य नहीं है तो भाज्य कौन सी है, चार छह, और भाज्य कौन सी नहीं है, एक दो तीन पांच, दो तीन पांच नहीं, मैंने क्या बोला भाज्य नहीं है, नहीं का यूज किया ना, तो एक भी तो भाज्य नहीं है, एक भी भाज्य नहीं है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है और पांच भी नहीं, मैंने यहां लिखा अभाज्य, और अभाज्य भाज्य नहीं है, नहीं का यूज होते ही ये आ जाए। अब मैं बोल दूं अभाज्य कौन सी है और अभाज्य नहीं है वो कौन सी है, एक चार छह, चार छह तो नहीं है ना अभाज्य, जैसे मैं नहीं बोलूंगा तो नहीं दोनों तरफ आता है। अब मैं बोल दूं भाज्य कौन सी है, चार छह, भाज्य नहीं है तो इसके अलावा जो बची ना, एक दो तीन पांच, अब मैं बोल दूं यहां पर भाज्य अभाज्य कौन सी है, अभाज्य है दो तीन पांच, और अभाज्य कौन सी नहीं है, एक चार छह, क्योंकि नहीं जब भी आएगा वो एक अंदर आ जाएगा, जब तक नहीं आएगा, जब तक आप यहाँ पर नहीं लगाओगे ना वो एक नहीं आएगा अंदर, और क्या हो सकता है बस, जो ये विषम संख्या है भाज्य है, यह ऐसा आ जाए सवाल में ये संख्या जो है ना वो कितनी होनी चाहिए आपके, तीन व छह के बीच की संख्या, तो कौन संख्या बताओ, चार पांच, सूत्र क्या हो गया बताओ, दो बटा या एक बटा तीन भी आप कह सकते हो, ऐसा आ जाए सवाल दो से छोटी संख्या या चार से बड़ी संख्या, तो आपको देखना है कि इनमें से किसके बारे में बात कर रहा है, जो बात कर रहा है वो यहाँ पर लिखना है, और जो टोटल है ये वाला आएगा भाग में, और जो पूछ रहा है वो आएगा ऊपर, ऐसा करना है। एक सिक्का है उछला कितनी बार है, दो बार, या दो सिक्के हैं उछला कितनी बार है, एक बार, मतलब एक ही होता है, एक सिक्के उछाला दो बार, तो दो बार क्या आ सकता है, जैसे यहां पर तो दोनों एक से लिखा हुआ है, तो या तो आएंगे दोनों हेड, कितने उछाल हमने दो उछाल दिया, इसमें भी हेड आ गया उसमें भी, या फिर क्या होगा, ये नहीं है तो क्या होगा, या ये टेल तो ये भी, या आगे हेड पीछे टेल, या आगे टेल तो पीछे हेड, ऐसे होता है, इन चारों में से कुछ भी आ सकता है, टोटल परिणाम हो गए आपके चार, कुछ भी याद करना हो तो ये चार परिणाम, इससे बाहर कोई परिणाम नहीं होता है, इसके अलावा कोई आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इनके चार के अलावा सर ये भी होता है, बिल्कुल सिंपल है, जब भी एक सिक्का उछाले दो बार या दो सिक्के उछाले एक बार, दोनों का मतलब एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, दो सिक्के एक बार या एक सिक्का दो बार, दोनों में से कुछ भी आ जाए इसका मतलब है कि परिणाम टोटल चार होंगे, कुल परिणाम चार होंगे, दो हेड दो टेल, हेड टेल टेल हेड। अब यहाँ पर हेड को हिंदी में बोलते हैं चित्त बोलते हैं, और जो टेल है उसको बोलते हैं पट, चित्त चित्त मतलब होता है हेड, आपका दिमाग, मतलब हेड हेड होता है ना, हेड को चित्त बोलते हैं, ऐसा मान सकते हो आप, और जो टेल है टेल पूंछ है उसको पट बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि चित्त क्या होता है पट क्या होता है, ये आना चाहिए आपको, जैसे मुझे प्रायिकता ज्ञात करनी है, किसकी ज्ञात करनी है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, अब कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम मतलब होता है कि एक से ज़्यादा, मतलब एक या एक से ज़्यादा, कम से कम एक, तो कम से कम एक है, अब अधिकतम कितना है हमें मालूम नहीं, तो हम एक बार या दो बार चित ले सकते हैं, मतलब एक बार हेड या दो बार हेड ले सकते हैं, तीन बार हो तो तीन बार ले लो, कम से कम एक का मतलब हो गया एक के साथ, एक तो पक्का लेना है, कम से कम एक बोला है, अब अधिकतम कितना है ये लिमिट नहीं है, तो आप जितनी मर्जी है उतना ले लो, एक बार दो बार ऐसा हम कर सकते हैं, कुछ सिंपल सा है। तो हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, दोनों हेड होना चाहिए, एक बार या फिर दो बार, क्योंकि कम से कम एक बार लिखा हुआ है, अब कम से कम एक बार में यही आता है कि
एक बार या फिर दो बार, तो दो हेड, हेड टेल एंड टेल हेड, कम से कम एक बार तो सब में है, एक बार तो सबके अंदर आता है, तो ये हो गया तीन चांस कुल में से चार, तो ये हो गया 3/4। कभी कभी इसका उल्टा भी लिखा हुआ आता है, अधिक से अधिक भी लिखा हुआ आता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अधिक से अधिक में होता है जीरो या फिर एक, अधिक से अधिक में आता है जीरो या एक बार, मतलब एक से अधिक नहीं लेना है, जीरो बार या फिर एक बार, एक से अधिक लेना ही नहीं बिल्कुल भी, तो जीरो बार या फिर एक बार हम ले सकते हैं, सिंपल सा है, जीरो बार या फिर एक बार, जैसे दो हेडर की जगह दो टेल ले लेंगे, सिंपल सा है, दो हेड नहीं लेना है इसकी जगह दो टेल लेना है। अधिक से अधिक एक का मतलब हो गया कि जो हेड है वो आपका एक बार या फिर जीरो बार, देखो हेड आया एक बार और लास्ट वाले में हेड आया आपके जीरो बार, तो हेड एक बार या फिर जीरो बार, तो ये आपको ध्यान रखना है, हेड जो है वो एक बार या फिर जीरो बार, क्योंकि एक से अधिक नहीं लेना, इसमें लिखा हुआ अधिक से अधिक एक, तो एक बार या फिर जीरो बार आपको लेना है। उत्तर दोनों का सेम ही आएगा, 3/4 3/4, बस आपको दिखाना है कि अधिक से अधिक में क्या लिखते हैं, कम से कम में क्या लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके, 1 से 15 तक के अंक हमारे पास छपे हुए हैं, दिए हुए हैं, अब हमें बिना देखे इसमें से कार्ड निकालना है, मतलब कार्ड पर लिखे हुए हैं 15 नंबर, हमें इसमें से कार्ड निकालना है, वो संख्या अभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो बताना है किसकी प्रायिकता क्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब कुल परिणाम कितने हैं आपके, 15 है, और इसमें अभाज्य कौन कौन सी होती है, तो होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होती है, क्योंकि 15 में 3 का भाग जाता है, जिसमें अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है स्वयं के अलावा, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ये आपको याद होनी चाहिए, स्टार्टिंग के नंबर में 4 संख्याएं होती है, 2, 3, 5, 7, अगले में भी 4 संख्याएं होती है, 11, 13, 17, 19, बस ये याद रखना है कि कौन सी 1 से 15 के बीच में आती है, तो कुल संख्याएं 6 हैं, प्रायिकता का सूत्र आपको आना चाहिए, कुल संख्याएं 6 हैं और टोटल जो नंबर है वो कितने हैं, 15 है, और 6 जो है वो आपके अभाज्य, तो उत्तर आ जाएगा आपका 6/15। कटे तो काट दो, नहीं तो ऐसे रहने दो, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, काटना आता है तो काट दो, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 2 बार और 3 बार। 3 से भाज्य पूछा गया है, तो 3 से भाज्य में क्या आता है, 3, 6, 9, 12, 15, जिसमें 3 का भाग जाता है और संख्या 1 से 15 के बीच में आती है, वो संख्याओं को बोलते हैं। और अगर इसकी हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे, सिंपल सा है, 5 संख्या आई है टोटली, 5/8 कुल कार्ड कितने थे, 15 थे, तो प्रायिकता हो जाएगी 5/15। कटे तो काट दो, दोनों में जाता है 5 का भाग, 1/3 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है पूर्ण वर्ग संख्या बतानी, पूर्ण वर्ग में ऐसी संख्याएं जिसको उसी से गुणा करने पर जो संख्या मिलती है उसको बोलते हैं, जैसे 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, ऐसे 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, ऐसे आपको लिखते रहना है 16, 25, लेकिन ये 16 जो है 15 से बड़ी हो गई, इसलिए बस यहाँ तक लिखना है, तो 3/15 हो जाएगा, 1/5 हो गया इसका आंसर, सिंपल सा है, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। संख्याएं कितनी है वो बतानी हमें, 1, 4, 9, 16 भी होती है, लेकिन 16 1 से 15 के बीच में नहीं आती है, इसलिए हमने इन 3 संख्याओं को ही लिखा है। 52 पत्तों की एक ताश है, अच्छी तरह फेंटे गए पत्ते, मतलब फीस की हुई अच्छी तरह से पीस की गई, उसमें से एक पत्ता निकालना। अब पत्ते में पहला आपको पत्तों का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा पत्ते को क्या बोलते हैं ये भी आपको आना चाहिए। देखो इसको बोलते हैं चीड़ी का पत्ता, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं चीड़ी का पत्ता, इसको क्या बोलते हैं ईंट का पत्ता, इसे बोलते हैं पान का पत्ता, लाल मत बोल देना क्योंकि लाल में तो ये भी आता, लाल में भी लाल तो कलर होता, तो लाल रंग का ये भी है, लाल रंग का ये भी है, तो लाल मत बोलना, क्या बोलना है पान बोलना, क्या बोलना है। और ये है आपके हुकुम का पत्ता, इसको क्या बोलते हैं, हुकुम का पत्ता,
ये आपको आना चाहिए। इसको बोलते हैं हुकुम का पत्ता, इसको बोलते हैं पान का पत्ता हिंदी में। नॉर्मल खेलते हैं तो लाल का पत्ता भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में मेन मतलब इनका ये है कि ये है हुकुम का पत्ता, ये है पान का पत्ता, ये है ईंट का पत्ता और ये है चीड़ी का पत्ता। अब ये कितने होते हैं आपके? 13 होते हैं। ये भी कितने होते हैं? 13। तो 13 कौन कौन से होते हैं? इसमें मेन मेन नाम क्या है वो आपको ध्यान देना। मेन मेन तो है, एक तो इक्का, फिर है बादशाह, बेगम और गुलाम। इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है, इसमें से बहुत कम पूछे जाते हैं। ये बीच में नाम इनका लेते नहीं, बहुत कम ही लेते। इसको बोलते हैं देखो इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, देला, नेला, आट्टी, सत्ती, छग्गी, पंजी, चौगी, तेगी, दुगी, या दो नंबर ऐसा कुछ। इनका कुछ नाम ये तो नॉर्मल हम जब खेलते हैं ना तो हमें पता है कि इसको बोलते हैं देहला बोलते हैं, इसको नेहला बोलते हैं, इसको अट्ठी बोलते हैं। ये तो सिंपल है। मेन इनका जाना ये है गुलाम और ये है बेगम, ये है बादशाह और ये है इसका इक्का। अब देखो ये और ये पत्ते, ये और ये वाले कौन से कलर के हैं? काले रंग के हैं। 13 पत्ते चीड़ी के काले रंग के हैं, 13 पत्ते हुकुम के ये भी क्या है? काले रंग के। इनका जो कलर है वो कैसा है? काले रंग के हैं। ये क्या है? काले रंग के हैं, काले रंग के पत्ते बोलते हैं। काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? ये 26 पत्ते हैं। 13 ये 13 ये देखो 13 पत्ता काले रंग के और ये भी आपके काले रंग। नॉर्मल ताश खेलते हैं तो बोलते हैं काले का इक्का, काला पास तो बोलते हैं, लेकिन वो काले रंग यहाँ पर काला और लाल रंग आता है अलग अलग। अब देखो ये दो जो है वो होते हैं लाल रंग के पत्ते। क्या होते हैं ये? ये होते हैं आपके लाल रंग के पत्ते। ये कितने होते हैं? 26। 26 ही लाल रंग के, 26 ही काले रंग के। तो बताओ टोटल कितना हो गया? अगर आप इन दोनों को साथ में जोड़ दोगे तो यह आते हैं कुल पत्ते। कुल पत्ते कितने हो गए? 26 और 26 कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं भाई? 52। यहाँ पर लिखा हुआ भी है 52 ताश के पत्ते। तो कितने होते हैं भाई? 52। तो देखो 52 पत्ते हो गए, 52 में 26 लाल रंग के, 26 काले रंग के, मतलब आधे काले रंग के और आधे लाल रंग के। फिर इसके टुकड़े कर देंगे चार अलग अलग, 26 के दो टुकड़े करेंगे, 13 13 ईंट और पान, और इसमें हो जाएगा आपके चीड़ी और हुकुम होते हैं काले रंग के। ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन में आ गया इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्के कितने होते हैं? हमें लिखना है 4/52। अब तो इक्के के सवाल तीन बनते हैं। पहला इक्का होने की प्रायिकता, यहाँ पर ना तो कलर बोल रहा है ना ही इनका नाम ले रहा है, ना इनका नाम लिया ना कलर का नाम लिया, सिंपल बोला इक्का होने की प्रायिकता। इक्का कितने हैं? अब बोले कि लाल रंग का इक्का होने का, लाल रंग के कितने हैं? 2 है। ऐसा नहीं लाल रंग का एक ही होता है, वो तो हम सिंपल खेलते हैं तो बस बोलते हैं, जबकि लाल रंग के 2 है। ईंट भी लाल रंग का है और ये क्या बोलते हैं पान भी लाल रंग का होता है, तो हम तो रहता क्या हो जाएगी 2/52। अगर ऐसा बोल दे कि ईंट का इक्का बताओ, ईंट के कितने बताओ? 1 ही 1 का। इक्के बोले तो 4 है, कलर में बोले तो 2 2 है, और बोल दिया कि ईंट का इक्का बताओ, ये रहा। बताओ हुकुम का कितना है? 1 है। चीड़ी का कितना है? 1 है। तो जब चीड़ी का नाम लेंगे तो ईंट का नाम लेंगे तो 1 बोलेंगे। फिर जैसे हम बोलेंगे कि ये क्या नाम है, कलर में बताओ तो 2। बासम यही है सेम। बताओ बासा होने की प्रायिकता कितनी है? 4/52। फिर बोलेंगे काले रंग का बासा होने कितनी है? 2/52। फिर बोल देंगे हुकुम का वास्ता होने की प्रायिकता कितनी है? हुकुम का 1 ही आना चाहिए। और एक चीज ये वाले जो पत्ते होते हैं ना, ये वाले, इसको बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता। उसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या है? तस्वीर है, फोटो बनी हुई, तो ये है आपका तस्वीर वाला पत्ता। इसमें तस्वीर नहीं है, इक्के में तस्वीर नहीं होती, इक्के में किसी व्यक्ति का चेहरा बना हुआ नहीं। अब यहां पर क्या है कि चाहे यहां पर सबके चेहरे बने हुए, चाहे बादशाह है, चाहे बेगम है, चाहे गुलाम, जिसमें चेहरा बना हुआ है, शरीर बना हुआ है, वो होगा तस्वीर वाला पता। इसमें फोटो बनी हुई, बाकी किसी में फोटो बनी हुई नहीं। ये हुकुम का इक्का भी इतना बड़ा आता है, लेकिन यहाँ भले दिखे नहीं, हुकुम पता वहां पर इतना बड़ा आता लिखा हो, लेकिन वो फोटो नहीं है किसी व्यक्ति का। ये इतने दिन नहीं आते, लेकिन ये थोड़ा बड़ा आता है, इतना बड़ा।
हाँ, लेकिन हमारा वो काम का नहीं, हमें तो बस क्या है इसमें फोटो नहीं है, फोटो वाले केवल ये है। फोटो वाले पत्ते कितने, अगर बोल दे तस्वीर वाला पत्ता बताओ कितने बताओगे? 12/52, 52 तो भाग में लेना ही है आपको, क्योंकि सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अगर आपसे बोल दे कि लाल रंग की तस्वीर बताओ क्या होगा, लाल रंग की तस्वीर कितनी है, 6/52, या फिर बोल दे काले रंग की कितनी है तो 6/52। अब इसका नाम लेके बोले कि चीड़ी के तस्वीर वाले, मतलब चीड़ी की तस्वीर वाले पत्ते बताओ तो 3/52, या ईंट में, ईंट में तस्वीर वाले पत्ता बताओ तो क्या होगा, 3/52। ये आपको ध्यान रखना, तस्वीर वाले पत्ते में आपके 3 गुना बढ़ जाते हैं पत्ता। अब जो दे रखे हैं क्वेश्चन का, अगर आपको मालूम है इक्का किसको कहते हैं, बास किसको कहते हैं, आप बलिदास खेलो चाहे नहीं खेलो, आपको केवल नॉलेज है, आप मैंने इतना देख लिया है, इसके बावजूद अगर नहीं आ रहा है तो उसको कोई इलाज नहीं। ये 13 पत्ते टोटल है, यहाँ शुरू करते हैं, सबसे बड़ा यही पत्ता होता है, उसके बाद ये होता है ताश, जब लेते हैं ना कोई नई ताश इक्का हमेशा यही आता है, जबकि इक्का सबसे बड़ा होता है, इक्का बासा बेगम गुलाम दसला ऐसा आती। अब हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं, अब बताओ प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सूत्र आपको हर बार लिखना है, अब पी ए लिखो या पी ई लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ए लिखो चाहे ई लिखो, ई मतलब होता है इवेंट घटना। अब देखो सूत्र क्या हो जाएगा आपके, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये आ जाएगा आपके अनुकूल, पूरा लिखना है अनुकूल बटा कुल परिणाम। सूत्र तो आपको हरेक में लिखना है। अब यहाँ पर देखो अलग अलग पॉइंट पूछे गए, पहला पॉइंट लेते सबसे पहले नंबर 1, बताओ क्या पूछा गया सबसे पहला पॉइंट, ये रहा क्या लिखा हुआ है, काले, अब ये रानी लिखा हुआ नहीं है, यहाँ आना चाहिए बेगम, बहुत क्या है इसमें ट्रांसलेट किया ना इसने, सही नहीं किया, तो हमें यहाँ पर क्या लिखनी है भाई, काले रंग की बेगम, बताओ काले रंग की कितनी बेगम, काले रंग की बेगम कितनी है कौन बताएगा भाई, हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, एक मिनट, हमें यहाँ पर क्या करनी है इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। बताओ कुल पत्ते कितने हैं, बताओ टोटल पत्ते कितने हैं, 52। अब 52 में देना काले रंग की बेगम, तो बेगम में 4 है, लेकिन इसने बोला काले रंग की, तो ये भी काले रंग की है और ये भी काले रंग की है, चेहरा काला नहीं है लेकिन पत्ती का नाम काला है, कितना हो गया भाई आपके, 2/52, चौथ तो काटना तो काट दो, कितना लिखोगे, 1/ काटो तो काट दो आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो ऐसे रंग आगे समझे, ये उत्तर बस, मतलब टोटल नीचे और जो पत्ता पूछा गया है वो कितना, वो ऊपर, इसका उत्तर आ गया। आप सेकंड पॉइंट पूछा गया है आपसे, हुकुम का इक्का, क्या बोला गया है, हुकुम का इक्का बताओ कितना, हुकुम इक्का कितने है? अगर ये बोलता इक्के होने की प्रायिकता बताओ तो आप क्या बोलते, 4/52, फिर काले रंग का लाल रंग का बोलते तो हम लिखते 2/52, लेकिन यहाँ पूछा हुकुम का, तो हुकुम में कितने होते हैं, हुकुम में इक्का एक ही होता है, तो इसी का ध्यान है, हुकुम में एक होता है, कलर में 2 होते हैं, टोटल 4 होते हैं, तो यह आ जाएगा 1/52, तो सिंपल सा है, 52 टोटल पत्ते हैं और जो पूछा गया है वो कितना है, 1 है, बस ये ध्यान रखना है। अगला है लाल रंग का कार्ड, कार्ड को पत्ता बोलते हैं, तो कार्ड क्या इंग्लिश में मिस प्रिंट होता है कभी कभी, तो ये होता है लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, लाल रंग का पत्ता होता है वहाँ मिस प्रिंट छपा हुआ है, तो कार्ड की जगह आप पता लिख सकते हो, क्योंकि कार्ड क्या है इंग्लिश में ट्रांसलेट सही नहीं किया इसने, तो पत्ता बोलते हैं लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, यहाँ लिखे हुए देखो 26 पत्ते होते हैं, 26 लाल रंग के, 26 काले रंग के, ये दो दिया हुआ पान का और ईंट का, तो ये टोटल हो गए 26 पत्ते, 26/52, जो कटे वो काट सकते हो। और फोर्थ पॉइंट हो गया आपके, एक तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर में देखो केवल तस्वीर वाला पत्ता है तो 12/52, अब इसमें काले रंग लाल रंग पूछे तो 6/52, चीड़ी हुक्म ईंट पूछे तो 3/52, बस ये ध्यान रखना है, कुल पत्ते हो गए 12, सभी तस्वीर वाले पत्ते हैं, जो कि जिसमें फ़ोटो दिखती है, चेहरा दिखता है, वो कटे तो काट दो 1/2, इधर भी कटे तो काट दो, जो कटता है वो काट देना, आधे पत्ते लाल आधे पत्ते काले, तो आधा हो गया प्रायिकता ऑटोमेटिक, और यहाँ आ जाएगा आपके 3/13, मतलब एक लाइन में
तीन पत्ते जो है वो आपके तस्वीर वाले पत्ते हैं, हर लाइन में ऐसा ही है, हर लाइन में तीन में से तीन पत्ते, तेरह में से तस्वीर वाले पत्ते हैं। बस ये ध्यान रखना आपको किसके बारे में पूछा जाए, कलर पूछा है, तस्वीर वाला पत्ता पूछा है, क्या पूछा है, इस चीज़ों को ध्यान रखना है, उसके हिसाब से सवाल होगा। एक थैले में एक सफ़ेद गेंद है, दो काली गेंद है और समान आकार की तीन लाल गेंदें रखी जाती है। तो इसमें तीन टाइप की गेंद है, सफ़ेद, काली और लाल। पहले हम उनको लिख देते हैं। सफ़ेद गेंद कितनी है, अभी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, सफ़ेद गेंद कितनी होगी आपके, एक। वो गिन के जितनी है ना वो लिखनी है, चार और चार लिखो, दस और दस लिखो, जितने गेंद है उतने आपको लिखनी। अगला है आपके काली गेंद। अब काली गेंद कितनी है भाई आपके, तो काली गेंद दे रखी है कितनी, दो। और जो लाल गेंद है वो हो जाएगी कितनी है आपके, तीन। तो कुल गेंदे कितनी हो गई है आपके, तो कुल गेंदे हो गई है छः। तो टोटल आपको करना है, जो संख्या है वो लिखकर आपको टोटल गेंद करना है। तो कुल गेंद छः हो जाएगी, क्योंकि सबकी जोड़ करना है आपको, तो जितना हो वो लेना है, कोई भी नंबर हो उसकी जोड़ करनी, सिंपल सा है। जितनी गेंद होंगी उनका जोड़ करेंगे तो ये हो गई आपके, छः है तो छः कर देंगे, और आया तो और कर देंगे। अब लगाओ सूत्र प्रायिकता ज्ञात करने का, और सूत्र है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। फॉर्मूला आपको हर बार यूज लेना है, फॉर्मूले में कमी नहीं रखनी है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए फॉर्मूला तो लिखना ही है, आपको आधा नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सूत्र आपको आना चाहिए अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये तो आपको लिखना ही है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हमें ज्ञात करना है गेंद सफ़ेद है उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी करनी है, गेंद सफ़ेद है की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब सफ़ेद गेंद है कितनी, सफ़ेद गेंद केवल कुल परिणाम कितना दे रखा है, छः दे रखा है। तो नीचे भाग में हमेशा छः आएगा, कुछ भी पूछ ले नीचे छः ही आएगा, और ऊपर आएगा गेंद सफ़ेद है, कितनी गेंद सफ़ेद है कि एक गेंद सफ़ेद है, इसलिए क्या आएगा आपके, एक ऊपर आ जाएगा, जो सब जो है वो ऊपर लिख देंगे, सिंपल सा है। तो एक गेंद सफ़ेद है एक लिखेंगे, दस है तो दस लिखेंगे, जो गेंद जितनी सफ़ेद है उनको ऊपर आपको लिखना है, सिंपल सा है। पहला पॉइंट क्या है आपके, गेंद सफ़ेद उसकी प्रायिकता बतानी, तो जो गेंद है वो लिख देनी है आपको, जोड़ कर देनी है, सूत्र आपको लगा देना है। पहला बोला है गेंद सफ़ेद है, तो हमेशा कुल परिणाम जो उसकी जोड़ होती है ना वो हमेशा भाग में लगा देनी, तो भाग में कितना आ गया आपके, छः आ गया। अब जो पूछा गया है वो ऊपर लिखना है, तो ऊपर क्या पूछा गया है, सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंद कितनी है, तो ये हो जाएगा आपके एक बटा छः। सेकेंड पॉइंट क्या पूछा गया है, गेंद काली नहीं है, क्या लिखा हुआ है, गेंद काली नहीं है ऐसा बोला गया। अब कौन सी गेंद काली नहीं है बताओ, ये गेंद भी काली नहीं है और ये गेंद भी काली नहीं है, काली केवल दो गेंद है, छह में से दो गेंद काली है, ध्यान रखना भाई, कुल गेंद कितनी हो गई, और छह में से दो गेंद काली है, काली गेंदों को बाहर निकाल दो, बाकी इतना बच गया, चार गेंद काली नहीं है, ये देख लो, एक गेंद कौन सी है, सफेद, और तीन कैसी है, तो लाल और सफेद चार है, इसका मतलब चार गेंद क्या नहीं है, काली नहीं है, दो ही काली है, छह में से दो काली है और चार काली नहीं है। तो कटर तो काट दो, दोनों में दो का भाग जा रहा है, दो बार और तीन। अगला पूछा है गेंद लाल है, क्या पूछा गया है भाई, गेंद क्या है, लाल, तो कुल गेंद कितनी है, छः, छः कुल हमेशा भाग में आएगा। अब हमें पूछा गया है लाल गेंद, मतलब लाल गेंद कितनी है, तीन है, तीन के ऊपर जो कटे वो काट दो, एक बटा, एक पासा दो बार फेंका जाता है, देखो एक पासा है फेंकना कितनी बार है, दो बार, या दो पासे है कितनी बार फेंकना है, एक बार, दोनों मतलब एक ही होता है, क्योंकि रिजल्ट जो है ना वो दो पासों के बाद आने वाला, मेरे पास एक ही पास आया था मैं कितने फेंकूंगा, दो बार फेंकना, या फिर दो पास से फेंकने कितनी बार है,
एक बार है। तो देखो एक पासे के कुल परिणाम होते हैं छह और दूसरे पासे के परिणाम कुल कितने होते हैं छह होते हैं। और जब भी पासे एक और एक दो आ जाते हैं ना, जब भी बीच में और का प्रयोग होता है कि एक पासा ये रहा एक और ले लो, दो होते ही कुल परिणाम क्या हो जाता है गुणा करना पड़ता है यहाँ। तो ये क्या आ गया भी आपके, ये आ गया आपके कुल परिणाम, ये क्या आ गया भी आपके कुल परिणाम कितना हो गया 36 हो गया। और यहाँ देख सकते हो 36 परिणाम। देखो इससे टोटल 6 अंक आएंगे, लिखा नहीं गिरा 6 परिणाम आते, इससे भी कितने आते हैं 6 परिणाम आते। अब कुल परिणाम याद करना है, जैसे मैंने पास फेंके क्या आया, इस पर भी एक आ गया, इस पर भी क्या आ गया एक आ गया। अगली बार क्या हुआ, इस पर तो एक ही आ रहा है, इस पर क्या आ गया दो, इस पर एक तो इस पर तीन, ऐसे करते करते ये हो गया। अब इस पर दो आ रहा है, इस पर एक आ रहा है, तो हो जाएगा दो एक। इधर भी दो आ रहा है, इसमें भी दो आया ऊपर और इसमें भी ऊपर दो आया, तो क्या हो जाएगा दो दो। इसमें ऊपर तीन आया, इसके ऊपर क्या आ गया आपके चार आ गया, तो तीन चार है, तीन चार आ जाएगा। अगर यहाँ भी ऊपर छह इधर भी ऊपर छह है तो कितना आ जाए, यहाँ छह छह यहाँ पर आ रहा आपके छह छह हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो परिणाम है वो कितने हैं 36 परिणाम, टोटल परिणाम कितने हैं 36। अब हमें मालूम होना चाहिए पूछा क्या है। अब यहाँ तो मैंने तीन पॉइंट दे रखे, बहुत सारे पॉइंट पूछ सकता है, उसके लिए एक तो आपको प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए। सूत्र क्या है आपके, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये सूत्र आपको आना। कुल परिणाम में क्या है 36, तो भाग में हमेशा क्या आने वाला है 36 आने वाला है। और 36 क्यों आएगा, क्योंकि कुल परिणाम कितना है 36 है। अब जो पूछा गया है वो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट बताओ, पांच किसी भी समय नहीं आएगा, पांच किसी भी, पांच आने ही नहीं चाहिए, पांच किसी भी समय नहीं आएगा, बताओ कितने हैं 25 बार, कितनी बार है पांच किसी किस में नहीं है। तो देखो एक दो तीन चार, यहां तो है चार, इसमें पांच, देखो इसमें पांच है, यहां ऐसा कर लो सिंपल, इनमें पांच है और इसमें पांच है, बाकी में पांच। तो देखो पांच कितनी बार में, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये क्या, ये तो गिन गया इधर से, एक बार को एक ही गिनना है, बार बार नहीं गिनना है। तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, अगर सवाल आ जाता कि पांच आएगा तो हम क्या लिखते हैं 11/36, क्या लिखते हम 11। अब ये बोला पांच नहीं आएगा, तो ध्यान देना भाई 36 में से 11 बार पांच है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और 11। तो 36 जो भी अंक है ना, इसमें 11 बार जो है ना आपके 11 बार पांच आया, अब बाकी बार पांच नहीं आया, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 25/36। आप चौक गिन लो बोली, देखो चार चौक 16 तो ही हो गए, ये हो गया ना चार चौक 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो इसमें 25 बार में क्या नहीं आया अभी आपके पांच, उत्तर क्या हो जाएगा आपके 25/36। अगर यहां लिखा होता पांच हर बार आएगा, पांच हर बार आएगा मतलब पांच यहां भी आ रहा हर बार और यहां पर भी आ रहा है, मतलब पांच आए तो तुम्हारी जीत है। तो कितने चांस तुम्हारे जीतने के, 11 चांस है जीतने के। अगला बोला है दोनों अंक समान, क्या बोला है दोनों अंक समान, बताओ कितनी बार है, हाँ लिखा हुआ है दोनों अंक समान, मतलब जो इधर वो इधर, ये रहा देखो एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छ छ, टोटल कितने चांस बन रहे हैं 6 चांस बन रहे हैं। तो क्या आएगा अभी आपके 6/36, कटे तो काट दो 1/। अब आपसे पूछा गया है यहां पर योग कितना हो, इसने बोला है कि योग कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो कुल परिणाम कितने 36 है। अब बताओ योग 9 होने के, योग 9 कहां कहां बन रहे हैं बताओ, ये रहा देखो 6 और 3, लेकिन एक 9 आ गया ना तो समझ लो कि लगातार आए, ऐसे ऐसे चलेगा आप इस प्रकार, ये 9 है
चार और पांच भी और छह और तीन भी, एक भी लाइन बताओ। नौ योग इसमें लगो दोनों जोड़े कितना आता है, नौ आता है, यहां पर भी नौ आता है, यहां पर भी नौ, यहां पर भी नौ, बताओ मेरा उत्तर क्या हो गया। अगर ये बोल देता योग कितने हो, सात हो, क्या हो योग बताओ, उसकी प्रायिकता क्या होगी, योग सात कहां हो रहा बताओ। ये रहा छह और एक, एक बार मिल जाए तिरछा चलना, तिरछा चलना है। तो ये भी सात है, ये भी सात है, ये भी सात है, ये भी सात है, और तो लगातार ऐसे तिरछा आएगा हमेशा। देखो अगर ये बोले योग दो होने की प्रायिकता तो कितना लिखेंगे, एक बटा छत्तीस। योग तीन होने की प्रायिकता, दो बटा छत्तीस। ये देख लो योग चार होने की प्रायिकता, एक दो और तीन बटा छत्तीस लिखेंगे। योग पांच होने की प्रायिकता कितनी है, एक दो तीन चार, चार बटा छत्तीस। अब ये बोले योग बारह होने की प्रायिकता कितनी है, एक बार। और अगर आपसे बोल दे कि योग तेरह होने की, ये तो आपकी बुक में भी योग तेरह होने की, योग तेरह है, इसकी प्रायिकता क्या है, अब हाईएस्ट कितना है और कम से कम कितना है, दो, दो से लगा के बारह पूछेगा तो आप बता देंगे ऐसे तिरछा गिन के बता देंगे। जैसे ही आपके दो से कम या बारह से अधिक, तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सबके लिए उत्तर क्या है, जीरो। ऐसा असंभव है। अगर मैं कह दूं दो पासे है तुम्हारे पास, फेंको, अगर तेरह आ गया, एक ही दोनों की जोड़ तेरह हो गई तो पूरी संपत्ति मेरी जितनी है सब तुम्हारी। क्या भाई मैं कितने कर लूं, तेरह कहां से आएगा, अंदर कितने हैं, छह, छह कितना हो रहा है, बारह ही हो रहा है, तेरह होगा ही नहीं। इसका मतलब मेरे जीतने के चांस क्या है, जीरो है। मतलब ये क्या है, एक असंभव घटना, ये क्या आ जाएगी आपके, एक असंभव घटना। लिखो 144 बॉल पेन है, इसमें से 20 क्या है, खराब है, इसमें से 20 खराब है। कुल बॉल पेन ये है, ये टोटल है, क्योंकि देखो दो तरह का उसमें आता है, खराब पेन और अच्छे पेन, तो दोनों को खराब अच्छे को अलग अलग लिखना है, फिर दोनों क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 44 बॉल पेन में से 20 खराब है, इसका मतलब बाकी क्या है, अच्छे। हमें यहाँ पर लिखना है, देखो खराब और अच्छे पेन, तो देखो पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, खराब पेन, बताओ खराब पेन कितने, खराब पेन कितने दे रखे हैं, 20, कितने में से, 44 में से 20 खराब है, बताओ अच्छे कितने हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना है अच्छे पेन, क्या लिखना है भाई, अच्छे मतलब जिससे लिख सकते हैं कुछ, तो वो आप बताओ टोटल पेन कितने हो गए, कुल पेन कितने, कुल पेन कितने हो गए भाई आपके, 144, कितना हो गया, 144 में से 20 खराब है, इसका मतलब सही कितने हैं, 24। घटा कर देख रहे हैं, यहाँ पर लिख देना आप, 144 में से 20 खराब है, तो बाकी के 24 क्या आ गए आपके, अच्छे पेन। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाता कि हमारे पास 20 खराब पेन है और 124 अच्छे पेन, तो हम ऐसा लिखते खराब अच्छे फिर जोड़ते, इसमें क्या है कि जोड़ पहले ही दे रखी और खराब दे रखा है, अच्छे हमें ज्ञात करने हैं तो माइनस करेंगे तो अच्छे पेन आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है, बताओ प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, सूत्र आपको हर बार लिखना है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल कितने परिणाम है बताओ, कुल कितने परिणाम है, इसका मतलब है ये हमेशा भाग में आए। अब अच्छा पूछे तो इनको लिखना है, खराब पूछे तो इनको लिखना है, हमें यहाँ पर क्या लिखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा उत्तर है, ध्यान देना भाई। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप पेन खरीदेंगे, बताओ आप पेन खरीदेंगे इसका मतलब क्या हुआ, खरीदेंगे क्यों खरीदेंगे, लिख लिख के ट्राई करेंगे, जो अच्छा होगा वही खरीदेंगे, आप पेन खरीदेंगे बताओ इसकी प्रायिकता क्या है, कितना हो जाएगा बताओ। तो खरीदना तभी खरीदना है जब अच्छा होगा, तो अच्छे पेन कितने बताओ, 124, कितने में से, घटो तो काट दो, दो नंबर से भाग जा रहा है, चार का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 31 बार, उसमें कितनी बार जाएगा, 36 बार, उत्तर क्या आएगा, 31/36। अब दूसरा है, आप पेन नहीं खरीदेंगे, आप पेन नहीं खरीदेंगे,
बताओ क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि पेन क्या है, कितने पेन आप नहीं खरीदेंगे? 20 पेनों को देखेंगे, चेक करेंगे, खराब है तो उनको नहीं खरीदेंगे, पैसा दे रहे हैं तो। दोनों का भाग जा रहा है पांच का, चार का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है पांच बार, इसमें जा रहा है 36 बार। देखो 36 में पांच इधर है, 36 में 31 इधर है, इन दोनों जोड़ कितनी हो रही है? वापस 36 जोड़ करने। तो ये है ऐसा उत्तर लिखना है।